स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, शेल मतलब स्फीयर ही है लेकिन अंदर से खाली है। इनर रेडियस आर वन, आउटर रेडियस आर टू। तो मान लेते हैं कि ये शेल है, इतना उसके अंदर मास है और ये बीच में से खाली है। उसका इनर रेडियस दिया, इनर रेडियस की वैल्यू आर वन और आउटर रेडियस की वैल्यू आर टू। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हैज चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो क्यू कहाँ रहेगा? अंदर वाले सरफेस पर या बाहर वाले सरफेस पर? चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सारे चार्जेस अगर अंदर भी दिए तो बाहर आ जाएंगे, तो ये बाहर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज रहेगा। अ चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखे माइनस क्यू के बराबर। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। ठीक है जी, माइनस क्यू की वजह से अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस चार्ज प्लस वाला क्यू, और ये क्यू के साथ जोड़ीदार माइनस वाला क्यू। तो अंदर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू और बाहर वाले सरफेस पर हो गया क्यू माइनस क्यू। हमको पता कर क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इनर सरफेस के लिए चार्ज इनर सरफेस का डिवाइड बाय एरिया इनर सरफेस का। चार्ज कितना है? प्लस क्यू, और एरिया कितना है? 4 पाई R1 स्क्वायर। ये आ गया इनर के लिए, और बाहर वाले के लिए आउटर सरफेस के लिए कितना? चार्ज ऑन आउटर सरफेस, एरिया ऑफ आउटर सरफेस। चार्ज कितना है? क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। ये होना चाहिए सिग्मा आउटर सरफेस के लिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।